पंचमी। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज बहुत छोटा सा ब्लॉग जाने वाला है, नाग पंचमी स्पेशल। तो देखिए, मैंने पूजा कर लिया है, वो आप सबको दिखा दिया है। घर के काम अभी देखिए जो कि तो बिखरे पड़े हैं, क्योंकि अभी काम वाली भी नहीं आई हैं, उनका टाइम थोड़ा लेट होता है। देखिए किसी का फ़ोन आ गया, मैं बातें करके फिर आप सबसे बातें करती हूँ, फ़ोन कट भी हो गया, चलिए कोई बात नहीं। और काम तो सारे भी फैले हुए, बस मेरा पूजा हुआ है, मैंने पूजा जल्दी कर लिया। और क्योंकि मेरे यहाँ कुछ चीज़ें जो बनती हैं आज के दिन, और भगवान को जो चढ़ता है चना और दूध लावा, तो लावा मुझे नहीं मिल पाया था, तो मैंने जो था वो चढ़ा दिया है और पूजा कर लिया है उनकी अच्छे तरीके से। फ्रेंड्स, बात मेरी कट हो गई थी बीच में किन्हीं कारण, बस मुझे कुछ अपने बेटे से बात करनी थी, तो मैं वो बातें करने लगी थी। और मेरे यहाँ आज क्या कुछ बनता है, तो मैं ज़्यादा चीज़ें अब नहीं बनाती हूँ, वो इसलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि खाना किसी को नहीं है, हर आदमी को परहेज है। और इस समय तो मेरे हस्बैंड भी नहीं है, बाहर गए हैं, और मैं मतलब दोनों बच्चे प्रभु और ये आयुष, तो मैं बच्चे हैं मेरे, तो दोनों हैं। तो देखिए, और कहते हैं कि आज के दिन कुछ पीला खाते हैं, तो बस देखिए जो मैं बनाऊँगी वो आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो आज पूरा ब्लॉग देखिएगा क्योंकि ब्लॉग बहुत छोटा है। बन गया फ्रेंड्स चना मेरे यहाँ। चना इसलिए बन गया है क्योंकि बेटे को निकलना था जल्दी, वैसे चने की दाल की पूरी बनती है तो वो शाम में बन जाएगा। और ये देखिए चना बना है, साथ के साथ ये देखिए पूड़ियाँ बनी हुई है, अभी इसी कटोरे में रखा हुआ है। फ्रेंड्स, पंचमी के दिन मेहंदी ज़रूर लगाते हैं, और मैं लगा नहीं पाई थी, तो ये देखिए मैं लगा रही हूँ। बैक कैमरा से आपको दिखाती हूँ, ज़्यादा कुछ बनाने वाली नहीं हूँ, थोड़ा सा बस डॉट डॉट बनेगा, क्योंकि इसमें हेल्प कर रहे हैं, उन्होंने मना किया कि मुझे मत दिखाइए, तो मैं नहीं दिखाने वाली। दिखा दो, दिखा दे रहे हो, अच्छा बोल दिए, तो प्रभु जी लगा रहे हैं, मैं दिखाती हूँ बैक। प्रभु हेल्प कर रहे हैं क्योंकि वैसे विशाल अभी है नहीं, विशाल चला गया है घूमने, काम से गया है। तो ये देखिए ये लगा रहे हैं, तो मैं आप सबको अभी दिखाऊंगी कि मेहंदी का डिज़ाइन कैसा लगा रहे हैं। तो अभी तो ये बना रहे हैं कुछ कुछ, देखिए क्या प्रभु काफ़ी अच्छा मेहंदी लगा रहे हैं। जिसको जिसको लगवाना होगा मैं इनका नंबर डाल दूंगी, है प्रभु नहीं तो प्लीज वो हो नहीं। अरे इतना अच्छा मेहंदी लगा रहे हो, तो ये देखिए, देखिए कितना अच्छा। तो गाइस देखिए, नंबर देने की बात आई तो प्रभु डिजाइन चेंज कर रहे हैं, कुछ अच्छा लगाने वाले हैं। तो पहले पूरे हाथों में कह रहे हैं फैलाऊंगा, फैला देते हैं फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए डिजाइन प्रभु बना रहे हैं। प्रभु ऐसा क्यों तुमने कर दिया, हाथ भरना था आपने कहा कि ऐसा बनाओ कुछ अच्छा लगे, हाथ भरा रहे। तो फ्रेंड्स मैंने कहा था हाथ भर दो, तो इन्होंने देखिए टूथपिक का कमाल दिखाया, और ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, और ये जब रच जाएगा तो मैं आप सबको जरूर दिखाऊंगी। तो चलिए ठीक है, और प्रभु का नंबर डालूं कांटेक्ट के लिए, कांटेक्ट करें प्रभु से हमारे, जिनको इस तरह की मेहंदी लगानी है। तो पूरा बन जाने के बाद मैं दिखाती हूँ फ्रेंड्स टूथपिक से कितना खूबसूरत मेहंदी लग गया है, प्रभु ने लगा दिया और बहुत खूबसूरत मेहंदी लगा है, टूथपिक का कमाल। तो मेहंदी लगभग लगी चुकी है, और अब पूरा होने के बाद आगे दिखा दूंगी। उससे पहले आप सबको मैं मेले का दर्शन करा दूं, यहाँ का विशेषता जान लीजिए आप सब भी। तो फ्रेंड्स यहाँ आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो इसलिए मैंने फिर से बोल दिया है। ये बाराबंकी में एक जगह मजीठा है, बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ की मैं विशेषता आप सबको बताने वाली हूँ। यहाँ पे जो है ऐसी मान्यता है, यहाँ पे आज के दिन तो मेला लगता है, नागपंचमी के दिन मेला लगता है, और आज के दिन ये प्रसाद यहाँ चढ़ाया जाता है। जो छोटी छोटी मटकियाँ होती हैं, शायद मेरे किसी ब्लॉग में आप सबने देखा होगा, या नहीं देखा तो मैं इस ब्लॉग के माध्यम से आप सबको बताना और दिखाना चाहूँगी। तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो रिकॉर्डिंग करने में थोड़ी मुश्किल आ रही थी, लेकिन मैंने आप सबके लिए इतना कोशिश किया है। और ये देखिए छोटी छोटी मटकियाँ हैं, मैं आप सबको मटकियाँ दिखा दूँ। तो इसी में प्रसाद चढ़ाए जाते हैं, और इसको चढ़ाने के बाद, प्रसाद चढ़ा लेने के बाद इस मटकी को घर ले आते हैं, देखिए मटकी है, और इस मटकी को घर में रख देते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि जिसके घर में नाग देवता बहुत निकलते हैं, या मतलब उससे नुकसान पहुंचता है, तो घर में रख दीजिए, तो वो नहीं निकलते हैं, आपको नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, और फोड़े फुंसियाँ नहीं होती हैं।
तो जो लोग आसपास के लोग हैं या दूर के भी लोग हैं तो एक बार इधर आएँ तो ज़रूर दर्शन करें। और बहुत प्राचीन मंदिर है और मुझसे तो बहुत लोगों ने पहले भी बताया था और मुझे किसी ने पहले प्रसाद ही दिया था ये मटकी, तो कि आप भी ये प्रसाद है तो रख लीजिए, तो मैंने अपने घर में रखा हुआ है। इसी के साथ अपने ब्लॉग का करूँगी एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। बाय बाय।